subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई सागा गैंगस्टर मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस फिल्म के कुछ पोस्टर रिलीज कर दिए गए हैं संजय गुप्ता ने, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिले हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मुंबई सागा मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या स्टारकास्ट रहेगी, कब रिलीज होगी, क्या स्टोरी रहेगी, तो दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मुंबई सागा एक मल्टी स्टारर फिल्म रहेगी और इस फिल्म में हमें सब गैंगस्टर के रोल करते नजर आएंगे। अलग अलग स्टार का रोल अलग अलग रहेगा। इस मूवी में हमें जॉन अब्राहम गणपत राम भोसले का रोल करते नजर आएंगे, इमरान हाशमी इंस्पेक्टर अंबर खान का रोल करते नजर आएंगे और सुनील शेट्टी मुरली शंकर का रोल करते नजर आएंगे। वहीं जैकी श्रॉफ भी एक अहम रोल करते नजर आएंगे। दोस्तों इस फिल्म में हमें जॉन अब्राहम के ऑपोजिट फर्स्ट टाइम काजल अग्रवाल रोमांस करती नजर आएंगी और काजल अग्रवाल इस फिल्म में जमुना का किरदार करती नजर आएगी। इस फिल्म में प्रतीक बब्बर, गुलशन ग्रोवर, रोहित रॉय, सरवन जोशी जैसे बढ़िया स्टार है। दोस्तों मुंबई सागा फिल्म को डायरेक्शन दिया है संजय गुप्ता ने और संजय गुप्ता ने आज ही इस फिल्म के कुछ पोस्टर रिलीज किए हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त और गैंगस्टर लुक में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मुंबई सागा के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी गई है हैदराबाद में। दोस्तों इस फिल्म का कुछ स्टोरी इस तरह रहेगा, शूट आउट एट वडाला और शूट आउट एट लोखंडवाला में हमें जॉन अब्राहम इस तरह के रोल करते नजर आए हैं और पहली बार जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगे। जॉन अब्राहम इस फिल्म में गैंगस्टर का रोल करते नजर आएंगे, वहीं इमरान हाशमी एक इंस्पेक्टर का रोल करते नजर आएंगे, यानी इमरान हाशमी जॉन अब्राहम को रोकते हुए नजर आएंगे इस फिल्म में। दोस्तों जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से इस फिल्म का बज और क्रेज बहुत ही हाई हो चुका है पब्लिक के अंदर, क्योंकि शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस में जबरदस्त हिट हुई थी। दोस्तों उसके बाद कोई भी ऐसी गैंगस्टर वाली फिल्म नहीं आई, पर अब संजय गुप्ता फिर से ऐसी गैंगस्टर वाली फिल्म लेके आने वाले हैं और मुंबई सागा फिल्म का जो बजट सामने आया दोस्तों वो 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया जाएगा और ये फिल्म रिलीज होगी 2021 में। अगर दोस्तों इस फिल्म का बज और क्रेज देखते हुए इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन लगाया जाए तो मुंबई सागा फिल्म अपने लाइफ टाइम में 200 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और दोस्तों आप मुंबई सागा फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो और ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।